कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, बूमिंग शेयर स्टॉक में। दोस्तों, यदि आपने भी शेयर बाजार में निवेशक हैं, निवेश करते हैं, तो आपने किया होगा यस बैंक के शेयर में निवेश। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बाजार एक्सपर्ट इस बैंकिंग स्टॉक पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। जी, A to Z क्लियर करके हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं यस बैंक लिमिटेड की। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शेयर बाजार के एक्सपर्ट के हिसाब से आने वाले समय में यह बैंकिंग स्टॉक 40 रुपये तक पहुंच जा सकता है। आपकी जानकारी के बता दें, बैंक ने हाल ही में अपने QT के नतीजे जारी किए हैं और बैंक प्रॉफिट में रही है, और इससे पहले की तिमाही यानी Q1 के बैंक प्रॉफिट में रही थी। मीडिया में आ रही रिपोर्ट और ब्रोकरेज फॉर्म एक्सपर्ट के कहे जाने वाले मेहुल कोठारी जी ने के अनुसार इस शेयर में 22 रुपये से 24 रुपये तक का लेवल को देखा जा सकता है आने वाले इस हफ्ते में। इसी के साथ उन्होंने अब इसमें 17 का सपोर्ट प्राइस भी बताया, और इसके अलावा 24 ब्रोकरेज फॉर्म के एक्सपर्ट कहे जाने वाले सुमित वगड़िया जी का भी कहना है कि 22 रुपये से लेकर ये 25 रुपये तक जा सकता है। जी हाँ, यस बैंक के शेयर शुक्रवार को 2.48% की तेजी के साथ 20 रुपये 65 रुपये पे भाव पे पहुंच गया था। कंपनी के शेयर 20 रुपये 5 पैसे पे खुला था और शेयर की हाई 21 रुपये 15 रुपये है, लो इसकी 19 रुपये 80 पैसे है। जी हाँ, अगर कंपनी के 52 वीक की बात करें तो इसकी हाई की बात करें तो हाई इसकी 24 रुपये 80 पैसे, इसकी 52 वीक लो 14 रुपये 10 पैसे है। जी हाँ, अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 57,891 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर करंट प्राइस इसकी चल रही है तो करंट प्राइस इसकी 20 रुपये 5 पैसे 20 रुपये 10 पैसे चल रही है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी इसकी 69 रुपये 10 पैसे है। जी हाँ, और अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 13 रुपये 80 पैसे है, और ROC पर नज़र डालें तो 4.94 है, ROE पर नज़र डालें तो 1.99%, और फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है। अगर हम इसकी सेल्स को देखें, जी हाँ, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स रेवेन्यू 2013 में इसके 8,294 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, वही बढ़कर अभी 25,252 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इसकी 2013 में 1,499 था, वही बढ़कर 1,573 करोड़ का एक्सपेंसेस है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट में चल रही है कंपनी जी, 1,114 करोड़ के प्रॉफिट में है बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 837 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें कंपाउंड शेयर ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल 3 ईयर में -4 पर है, 5 ईयर में 2%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 3 ईयर में 27% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 23% है और 3 ईयर में 13% है। जी हाँ, अगर हम बैलेंस शीट पर नज़र डालें, यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो 2014 में 361 था, वही अभी सितंबर 2023 तक 5,752 का है। अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 2014 में 6,755 करोड़ का रिजर्व था, वही बढ़कर अब 34,019 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। वही अगर देखें कंपनी के पास उधार कितनी है तो 2014 में 95,500 का उधार था। जी हाँ, तो वही बढ़कर अभी 2,95,136 करोड़ का उधार हो गया। अगर लाइबिलिटी की बात करें तो 20,298 करोड़ की लाइबिलिटी है। असेस्ट की बात करें तो असेस्ट कंपनी के पास 2,76,003 करोड़ का असेस्ट है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न पर नज़र डालें, जी हाँ, शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर के पास जो है 23. अगर यहाँ पे देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग, जी हाँ, अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो FI के पास उसमें 23.39% की है, और DI के पास है 14.40.68% की शेयर होल्डिंग है।
जो कि काफ़ी अच्छी, गवर्नमेंट की 0.01% की, और बाकी बची हुई पब्लिक के पास 35.90% की शेयर होल्डिंग है। जी हाँ, तो देखा जाए तो कंपनी अच्छी खासी है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर इंडिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल इससे टिकी हुई है। चलिए इसकी चैट पे नजर डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इस पे आगे क्या कहते हैं। तो मैंने यस बैंक का चैट ओपन कर लिया है और वनडे के चैट में इन्होंने अपने निवेशकों को -3.37% का लॉस दिया। अगर 5 डेज में देखें तो 5 डेज में निवेशकों को प्रॉफिट हुआ 9.84% का प्रॉफिट हुआ। अगर 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 22.94% का प्रॉफिट। अगर 6 मंथ का देखें यहाँ पे तो 6 मंथ में इन्होंने अपने निवेशकों को 28.43% का प्रॉफिट दिया। अगर हम यहाँ पे देखें 1 ईयर का, जी हाँ 1 ईयर का देखें तो 20.72% का प्रॉफिट दिया। 5 ईयर का देखें तो 5 ईयर में माइनस में है 88%। अगर मैक्सिमम ऑल टाइम का देखें तो ऑल टाइम में इन्होंने अपने निवेशकों को 62.49% का शेयर होल्डिंग दिया, जो ये शेयर कभी हुआ करता था 375-400 के टच कर रहा था ये शेयर, जो इसकी मार्केट अभी बीच में जो ख़राब हुई थी, न्यूज़ आया था, जी हाँ जो इसी मार्केट का ये आया था, जो करीब 6 महीना साल भर हुआ, जो ये गवर्नमेंट में मर्ज होने वाले थे। जी हाँ, तो दोस्तों क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है और ये कभी अभी आपको काफ़ी लो पे मिल रहा है। जी हाँ, अगर देखा जाए यहाँ पे अक्टूबर तक ये 15 रुपये 95 पैसे पर, अभी इसको अभी 20 रुपये 10 पैसे पर अभी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आने वाले समय में ये बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ सकती है, जैसा एक्सपर्ट इस पर अनुमान लगा रहे हैं, आने वाले समय में अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है, ये 25 का 40 तक भी जा सकता है शेयर। तो दोस्तों यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाया, निवेश करने का सोच सकते हैं। निवेश करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर ले दोस्तों, और निवेश करने से पहले अपने लीगल एडवाइस जरूर सलाह लेना दोस्तों। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए ना बेचने के लिए। दोस्तों मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिसिस एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अगर निवेश करते हैं तो अपने लीगल एडवाइस जरूर सलाह ले। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।